उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। हरिद्वार के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी है, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हरिद्वार पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम धामी भूपतवाला में बने एक नए आश्रम का उद्घाटन कर चुके हैं। इसके साथ ही आश्रम में चल रही भागवत कथा में भी मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए दीप प्रज्वलन के लिए सीएम धामी वहां पहुंच चुके हैं और अब ये देखिए सीधी तस्वीरें दीप प्रज्वलन मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनके साथ में कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आश्रम में जो भागवत कथा चल रही है और आज के दिन की जो शुरुआत है वो सीएम धामी के दीप प्रज्वलन के साथ की गई है। तो देखिए सीधी तस्वीर हरिद्वार से आप देख रहे हैं, जहां हरिद्वार के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। अब दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, हरिद्वार से सीधी तस्वीर पहली तस्वीर है, क्योंकि दो वर्षों तक यात्रा चल नहीं पाई है महामारी के कारण, इस बार। तो देखिए आपने सुना पुष्कर सिंह धामी को भूपतवाला क्षेत्र में आश्रम का उद्घाटन करने के लिए भी वो पहुंचे थे और लगातार ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आश्रम में भागवत कथा भी चल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे और सबसे पहले पहुंचकर उन्होंने दीप प्रज्वलन किया। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी के मौके पर कन्या पूजन किया। इस दौरान सीएम धामी ने पहले कन्याओं की आरती उतारी और उन्हें भोजन कराया। इस मौके पर सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने भी कन्याओं की आरती उतारी और उन्हें भोजन कराया। अब ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रामनवमी पर सीएम धामी ने किस तरीके से पूजा अर्चना की, कन्या पूजन किया, उसकी ये तस्वीरें और उनकी पत्नी ने भी कन्या पूजन करते हुए छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराया। वहीं बड़कोट में आंधी की वजह से अफरा तफरी मच गई। तेज हवा के झोंकों में कई पेड़ उखड़ गए तो वहीं लोगों के घरों के छत पर रखे तीन शेड उड़ गए। किसानों के खेतों में लगे पॉली हाउस भी आंधी तूफान से बच ना पाए और पॉली हाउस को भी नुकसान पहुंचा। वहीं पॉली हाउस में लगी सब्जियों को भी काफी नुकसान हुआ है। देखिए आंधी की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से आंधी की वजह से अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पहले तो भूकंप आया है, उसके तुरंत 15-20 मिनट बाद इतना तूफान आया है कि पूरे हमारे गांव के फसलें, सेब के बगीचे, पॉली हाउस और ये जितने सारे हमारे होटलों के ऊपर के चद्दर के बनाए हुए थे वो सारे के सारे उखड़ गए हैं और लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। उधर पुरोला तहसील में चंदेली के पास एक कार के ऊपर पेड़ गिर गया, जिससे कार में सवार तीन लोग घायल हो गए। उधर डुबाटा के पास खड़ी बस के ऊपर भी पेड़ गिर गया, जिससे बस क्षतिग्रस्त हो गई। अब ये देखिए दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, कार के ऊपर पेड़ गिरा। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से कार की स्थिति खराब हो गई और दूसरी तस्वीर है बस के ऊपर भी पेड़ गिरा है, जहां पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। तेज आंधी में की वजह से ये नुकसान पहुंचा है, अचानक से पेड़ गिरा और ये दो तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हुई। पहली तस्वीर में आप कार को देख पाएंगे और दूसरी तस्वीर बस के ऊपर पेड़ गिरने की है। वहीं बड़कोट के जंगलों में आग लगी है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जंगल में आग लगी है, चीड़ के पेड़ों में आग लग गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरियाली में चिंगारी की ये कुछ तस्वीरें भी आप मेरे पीछे देख पाएंगे। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जंगल में आग लग गई है, चीड़ के पेड़ों में आग लगी है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर खासतौर पर इस तरीके के जंगल हैं जहां पर आग लग गई है और लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से। वहीं बड़कोट के जंगलों में भी आग लग गई है, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर आग लगी है, जिसकी ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन तुम्हें धुआं दिखाई दिया। जब हम 7:30 बजे करीब धुआं दिखाई दिया तो हमने धुआं देखा, जैसे धुआं देखा तो हम लोग यहाँ से स्टाफ को लेकर सब लोग आ गए और कंट्रोल हो गई, लगभग कंट्रोल कर दिया हमने आग को।
और नितिन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नितिन, लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है और इसी तरीके से बड़कोट के जंगलों में भी आग लग गई है, क्या जानकारी अभी आपके पास? देखिए, अगर हम पिछले 15 दिनों से अगर हम बात करें तो लगातार अलग अलग हिस्सों में अगर बात करें तो जंगलों में आग का जो रूप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपको एक चीज बताऊंगा कि यमुना घाटी में दो रेंज है, एक टोंस घाटी रेंज है और एक अपर यमुना वन प्रभाग है। तो दोनों ही प्रभागों की अगर बात करें तो जो चीड़ का जंगल है, चीड़ के जंगलों में लगातार आग जो है अपना बेकाबू रूप ले रही है। अब कल जो आंधी तूफान के बाद जो हवाएं जो चली उसके कारण जो है जंगल की जो आग है उनकी लपटें जो है वो काफी फैली। और आज हमने जो तस्वीरें जो देखी, ये हम कह सकते हैं कि जो यमुनोत्री हाईवे 123 है, महज बड़कोट से यानी कि अपर यमुना वन प्रभाग का जो कार्यालय है, महज उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर सड़क के दोनों तरफ आग का जो बेकाबू रूप देखा गया। हालांकि वहां पर बंद कर्मी आग बुझाते हुए देखे गए, लेकिन एक पुख्ता इंतजाम जो होना चाहिए था कि किस तरीके से पहले जिस तरीके से हम पहले से देखते आ रहे हैं कि दिसंबर जनवरी के टाइम तो कंट्रोल बर्निंग की जाती है कि किस तरीके से आग पर काबू पाया जाएगा, लेकिन अभी अगर जब स्थिति जब सामान्य से भी काफी ऊपर पहुंच गई है कि कई जगह आगों की घटनाएं दिख रही है, सड़कों पर आगों की घटनाएं दिख रही है जहां मानव शरीर से वहां पर पहुंच सकता है, यानी कि वहां पर भी पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, लेकिन वहां पर भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि जो वन विभाग की जो शैली है, या फिर ये कहें कि जो प्री प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं फेल नजर आती है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक चेतावनी दी है कि आने वाले 1-2 दिनों में जो है गर्मी का जो सिस्टम है वो और बढ़ने वाला है, यानी कि जो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वही उत्तराखंड में जंगल की आग बुझने का नाम नहीं ले रही, गर्मी शुरू होते ही जंगल सुलग रहे हैं। ताजा तस्वीरें चमोली और रानीखेत से भी सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए चमोली और रानीखेत की तस्वीरें, किस तरीके से पहाड़ पर आग धधक रही है, जंगल लगातार जल रहे हैं। और इसी तरीके से चमोली और रानीखेत की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। उधर रानीखेत के जंगल भी धू-धू कर जल रहे हैं। रानीखेत में दलमोटी में जंगल में आग लग गई। जंगल की आग को बुझाने के लिए वन विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग काफी तेजी से फैल रही थी और धुएं के कारण आग बुझाने में काफी परेशानी हुई, मगर किसी तरह से आग पर काबू पा लिया गया। मगर यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि वन कर्मी अभी भी पेड़ की टहनियों के सहारे ही आग बुझाते हुए नजर आए। वही चमोली के जंगल में आग लगी हुई है। आग ने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे जंगल जल रहा है। नंदानगर ब्लॉक के जंगल में 2 दिनों से आग लगी हुई है। उधर जंगल में लगी आग की वजह से उठ रहे धुएं की वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही है। और अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। पहाड़ पर पारा लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में तापमान तेजी के साथ बढ़ेगा। अभी भी प्रदेश में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा है। 12 अप्रैल तक प्रदेश में नहीं भी कहीं पर भी बारिश की संभावना नहीं है। 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। जो तापमान है, अधिकतम तापमान वो सामान्य से करीब जो है 4 से लेकर 6 डिग्री या 5 से लेकर 7 डिग्री तक जो है इस दौरान जो है ये सामान्य से ऊपर रहे। तो कंटिन्यूस इतना प्रोलॉन्ग्ड स्पेल है मिला है जिसमें कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो काफ़ी हायर साइड में रह रहे हैं। और अभी आगे जो 4-5 दिन है, अगर 12 तारीख तक के लिए बात करें अप्रैल की, तो इसमें भी कोई रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है। और जो तापमान है उसमें करीब 2 डिग्री के आसपास जो है और इजाफा जो है 2 से 3 डिग्री 3 से 4 दिन में और बढ़ने की संभावना है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप देखेंगे जो हमारे उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र है उसमें तापमान आपके करीब जो है 38 से लेकर 40 डिग्री तक पहुंच जाएंगे आगे आने वाले 3-4 दिन में। वही उत्तराखंड में लोग गर्मी से बेहाल है। हल्द्वानी का तापमान अप्रैल के पहले हफ्ते में ही 35 डिग्री के आसपास है। भीषण गर्मी के चलते लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। गर्म हवाएं चलने से सड़कों पर आवाजाही कम होने लगी है। पहाड़ों की तरफ जंगलों में आग लगने की वजह से तापमान और भी ज्यादा बढ़ा है और उमस भी आम लोगों को परेशान कर रही है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए जूस और दूसरे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। गर्मी के चलते अस्पताल में डिहाइड्रेशन, सनबर्न और एलर्जी के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि अगर गर्मी से बचाव करना है तो पानी जूस का सेवन करें।
आते हैं जो पानी की कमी के कारण से होता है, नेजल ब्लीड के साथ आते हैं जिसको हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं, क्योंकि नाक का सूखापन बहुत कॉमन बीमारी है इसमें, जिसके कारण से क्रस्टेशंस हो जाते हैं और ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को स्पेशली प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि पानी का जो इनटेक है वो 2 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए सारे दिन भर में। गर्मी बढ़ने के साथ ही हल्द्वानी के कई इलाकों में पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है। इसी को लेकर राजपुरा की महिलाओं ने खाली बर्तन लेकर पेयजल विभाग के खिलाफ महिलाओं का कहना है कि बीते कई दिनों से उनके क्षेत्र में पानी नहीं आया। पानी की समस्या को लेकर वो कई बार जल संस्थान के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। हल्द्वानी के किस तरीके से लोग हाथों में बाल्टियां और बर्तन लेकर पानी के संकट के लिए परेशान हैं और पानी के संकट की वजह से यहां पर राजपुरा पड़ाव में पिछले काफी समय से पेयजल संकट व्याप्त है। बार बार सड़कें खोदी जा रही हैं। पूरे शहर की बात करें तो पूरे शहर में जल संकट व्याप्त है और जो विभागीय अधिकारी है, सरकार है, बिल्कुल अपने मस्ती में मस्त है। जिसका काम जाना है जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता पानी के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर पानी के लिए धक्के खा रही है और विभाग गर्मी में, भारी गर्मी में न तो वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है, न तो लाइनों को ठीक करने का काम कर रहा है। वही उत्तराखंड में भी सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। किच्छा में तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया तो वहीं हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों पर भी बुलडोजर चला है। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बुलडोजर अभियान शुरू हो चुका है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। हरिद्वार में अथॉरिटी ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सुमन नगर पहुंची अथॉरिटी की टीम ने 5 अवैध कॉलोनियों को सील कर दिया। अथॉरिटी का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किए जा रहे हैं, जिन पर अब अथॉरिटी का डंडा चल रहा है। जो भी कार्रवाई हमारे द्वारा संपादित की गई है, टीम के द्वारा संपादित की गई है, वो शासन की मंशा के अनुरूप जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो है ये कार्रवाई की गई है और आगे भी जो है लगातार जो भी गलत इस तरह की कॉलोनियाँ पाई जाएगी उसमें कार्रवाई गतिमान रहेगी। ये सुमन नगर क्षेत्र का है और ये 5 बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ थी, तो ये संपूर्ण रूप से जितनी भी थी सभी को हमने आज सील कर दी। उधर किच्छा में भी प्रशासन का बुलडोजर चला। दरव गांव में तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासन ने तालाब की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का कहना है कि जिस जगह भी अतिक्रमण है वहां इसी तरह से बुलडोजर चलेगा। जो तालाबों पर अतिक्रमण है या जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण है उसके खिलाफ अभियान प्रारंभ किया गया है और पहले इनका चिन्हीकरण किया गया था। चिन्हीकरण लगातार किया जा रहा है और उसी के क्रम में ग्राम दरव में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण था जिसको ध्वस्त करते हुए उस पर कब्जा लिया गया है। पिछले कुछ रोज से किसी न किसी शहर में कार्रवाई हो रही है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला के साथ किच्छा से विकास की रिपोर्ट। पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में मसूरी में जाम की स्थिति बनी रहेगी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। मसूरी में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया। नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस वाहन मालिकों को जागरूक कर रही है कि नो पार्किंग जोन में गाड़ियां पार्क ना की जाएं। वही पौड़ी में इन दिनों गुलदार का आतंक है। एक गुलदार रिहायशी इलाकों में देखा गया है जिससे लोग दहशत में है। वन विभाग को आशंका है कि ये वही मादा गुलदार है जिसे काफी समय से इस इलाके में देखा जा रहा है। पिछले दिनों गुलदार का एक शावक पिंजरे में कैद हुआ। आशंका है कि ये मादा गुलदार अपने शावकों की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख कर रही है। ऐसे में आक्रामक होकर इंसानों पर भी हमला कर सकती है। पर्यटन और आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास परिषद की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए पर्यटन रीढ़ की हड्डी की तरह है। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में पर्यटन उद्योग पटरी से उतर गया था, जिसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना महामारी के कारण से जो हमारी ये पर्यटन की जो इंडस्ट्री है या पर्यटन व्यवसाय है वो काफ़ी नीचे गया है, काफ़ी घाटे में गया है। उससे कैसे उभरा जाए और कैसे हम अच्छे से अच्छी सुविधाएं
अपने आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, हमारे पर्यटक हैं, यात्री हैं, उन सभी को देंगे। उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है और सरकार की तरफ से भी हमारा प्रयास है कि चार धाम यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा उनको यहाँ पर प्राप्त हो, किसी प्रकार की असुविधा का सामना उनको न करना पड़े। और इस बार चूँकि जिस प्रकार से होटलों की बुकिंग का और अन्य जो माध्यमों से हमें सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं, उसके माध्यम से बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं पिछले, वो आने वाले यात्रियों की दृष्टि से सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। रिकॉर्ड कायम होगा क्योंकि काफ़ी यात्री आने वाले हैं, नीचे काफ़ी गर्मी पड़ रही है और अपने क्या कहते हैं सुखद अनुभव के लिए और धार्मिक यात्रा के लिए लोग पहाड़ की तरफ आ रहे हैं। यहाँ धार्मिक यात्रा के साथ साथ जो मनोरम दृश्य है हमारे हैं, हिमाच्छादित हिमालय देखने को मिलता है तो, और शांति, मन की शांति के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, तो निश्चित रूप में हमारी यात्रा रिकॉर्ड कायम करेगी। वही चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की चेकिंग बॉर्डर पर की जाएगी, इसके बाद यात्रियों को कहीं पर भी चेकिंग से जूझना नहीं पड़ेगा। यात्रा सीजन को लेकर इस बार SDRF की 3 नई पोस्ट बनाई गई हैं। तो यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है पुलिस प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई है। सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ट्रैफिक और आपदा का। ट्रैफिक में हम पूरे प्रयास कर रहे हैं, जिला अधिकारी और नगर पंचायत और नगर पालिका ग्राम पंचायत से मिलकर के जितनी मैक्सिमम पार्किंग्स डेवलप हो सकें वो कराने को कहा गया है। और इस बार यात्रा की भीड़ की संभावना को देखते हुए हमारा प्रयास रहेगा कि ट्रैफिक जाम न लगने पाए। दूसरे जो आपदा की दृष्टि से हमने SDRF की 3 पोस्टें और खोली हैं इस बार, मोरी में और घनसाली में और गैरसैन में, तो उससे भी यात्रियों को और हमें मतलब दुर्घटना पे जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। परिवहन मंत्री बनने के बाद चंदन राम दास अपने गृह जिले बागेश्वर पहुंचे। इस दौरान चंदन राम दास ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि रोडवेज की स्थिति में सुधार हो और यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले। मंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहा हूँ, इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते मैंने चुनाव से पहले ही इस बागेश्वर के शहर को हरिद्वार बनाने का जो मैंने संकल्प लिया था उसी तर्ज पर मैंने 52 करोड़ का प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेजा था और कल केंद्रीय मंत्री भारत सरकार से मुझे ये मैसेज मिला है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अनुमोदित हो गया है। वही खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड जनता पार्टी नाम से नई पार्टी बना ली है। उमेश कुमार का कहना है कि अब वो अपनी पार्टी के जरिए जनता की सेवा करेंगे। उमेश कुमार ने पिछली सरकारों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता में रही पिछली सरकारों ने जनता को ठगने का काम किया है और राज्य में विपक्ष का रोल कोई भी पार्टी ढंग से नहीं निभा रही है। जनता तो विधायकों को चुन देती है, उसके बाद क्या चलता है, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग चलाते हैं आप लोग। आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक, आज दिल्ली से होगा निर्णय, आज हाईकमान लेगा फैसला। राज्य सरकार उत्तराखंड की बन रही है, निर्णय दिल्ली से बैठे लोग ले रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री का चुनाव उत्तराखंड की जनता को करना चाहिए, स्थानीय लोगों को करना चाहिए, हमारे विधायकों को मिलकर तय करना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ना कि दिल्ली में बैठे लोग ये तय करें कि उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। बढ़ती महंगाई से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले कुछ रोज से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं जिससे आम आदमी परेशान है। देहरादून की सब्जी मंडी में महंगाई के बढ़ते दामों से दुकानदार भी परेशान नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के चलते लोग भी सिर्फ जरूरत भर की सब्जियां खरीद रहे हैं। वही उत्तराखंड में मेले को लेकर अलग ही मान्यताएं और महत्व है। ऐसे में एक मेला रुद्रपुर में लगता है। शनिवार से अटरिया मेले की शुरुआत हो गई है। शनिवार की सुबह रामपुरा से गाजे बाजे के साथ मां अटरिया का डोला निकला। जगह जगह मां के डोले का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। मेले के डोले की शोभा यात्रा के दौरान मुख्य रूप से राधा कृष्ण और शंकर पार्वती की झांकी आकर्षण का केंद्र बना।